आप बहुत सारे यूट्यूबर को इन्फ्लुएंसर को देखोगे कि वो बोलता है कि मेरा न्यू वीडियो आ चुका है, आप इस लिंक पे ओके करके वो वीडियो देखो। सो वहाँ पर आप एक क्लिक करते हो तो उसका जो वीडियो है ओपन हो जाता है, फिर आप उस वीडियो को देखते हो। तो पहले ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर्स है, वो सिर्फ जिसका 10K फॉलोअर्स होता था उसी को मिलता था, विदाउट किसी और को नहीं मिलता था। मतलब अगर आपके पास 10K फॉलोअर्स नहीं होता था तो आप उस फीचर्स को, उस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर पाते थे, और आपका जो लिंक है आप उस लिंक को आप दे भी नहीं सकते थे, मतलब स्टोरी पे। सो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम अपडेट आने के बाद एक ऑप्शन आ गया है जहाँ पर सभी को देता है, मतलब आप इस जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखोगे कि इस लिंक पे ओके करके देखने के लिए बोलता है, तो इस जैसे आप भी देख सकते हो। इसके लिए आपका ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, मतलब कुछ भी अगर जीरो फॉलोअर्स है फिर भी आप इस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो, है ना मज़ेदार। मतलब कोई भी फॉलोअर्स की नीड नहीं है, आपके पास 10 फॉलोअर्स है, आपके पास 20 फॉलोअर्स है, फिर भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और आपका अगर वीडियो है, मतलब आप कोई भी वीडियो या कुछ भी लिंक देना चाहते हो, तो उस लिंक को आप इजीली इस जैसे आप दे सकते हो, जिससे कोई भी अगर आपका स्टोरी देखेगा और उस लिंक पे ओके करेगा तो डायरेक्ट आप जो भी दिखाना चाहते हो आपका लिंक के थ्रू वो ओपन हो जाएगा। सो ऐसा आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब कोई भी फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉलोअर्स की नीड नहीं है, आप मतलब सभी यूज़ कर सकते हैं। So, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे लिंक लगाओगे आपके स्टोरी में, जिससे कोई भी क्लिक करेगा तो आपका जो वीडियो है, आपका जो लिंक है, वो लिंक ओपन हो जाएगा, फिर आप जो भी दिखाना चाहते हो उसको दिखा सकते हो। सो कैसे आप लगाओगे वो पहले बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा अगर आपका ये ऑप्शन अभी भी नहीं है स्टोरी पे तो कैसे इसको ले आओगे, कैसे आपके फोन में भी आप इसको ठीक करोगे जिससे आप भी यूज कर सकते हो। सो उसके लिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साइड में जो बेल आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो ज्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है, और लास्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे अगर आपके नहीं है ये ऑप्शन। सो इन योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। सो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बोलना चाहते हो खुद से कि मेरा एक न्यू वीडियो आ चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप इस लिंक पे ओके करके मेरा वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो ऐसे अगर आप कोई भी वीडियो खुद से क्रिएट करके फिर लिंक देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को क्रिएट कर लेना है, मतलब उस वीडियो को शूट कर लेना है, और उसके बाद आपको करना है, अगर आप सिर्फ अपना कोई इमेज देना चाहते हो या कोई लिंक सिर्फ देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो कैसे दोगे, तो योर स्टोरी पे आपको ओके करना है, फिर कोई भी आप फोटोज या वीडियो देना चाहते हो तो उसको आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है, तो ऐसे आपका स्टोरी आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्टिकर का ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको ओके करना है, फिर यहाँ पर आपको लिंक लिखना है, ठीक है। लिंक लिखने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ स्टिकर आ जाएगा, लिंक लिखा है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब इसको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो भी लिंक देना चाहते हो, मतलब आप जो भी लिंक दिखाना चाहते हो अपना स्टोरी व्यूअर्स को, उस लिंक को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डन पे ओके कर देना है, तो ऐसा कुछ आपका हो जाएगा लिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक हो गया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड पे आपको ओके करना है। आप जब सेंड पे ओके कर दोगे फिर यूआर स्टोरी पे आपको ओके करना है, फिर डन पे आपको ओके कर देना है, फिर क्या होगा आपका जो लिंक है, आपका जो स्टोरी है वो अपलोड हो जाएगा। फिर कोई भी अगर आपकी स्टोरी देखेगा और उस लिंक पे ओके करेगा तो आपका जो वीडियो है, आपका जो लिंक में जो आप दिखाना चाहते हो वो ओपन हो जाएगा और वो इजीली देख सकता है, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक काम करेगा या नहीं, मतलब वहां पर ओके करके आपका जो लिंक है वो ओपन होगा या नहीं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक है, तो यहाँ पर ओके करने से विजिट लिखा है, तो विजिट पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो वीडियो है वो आ चुका है, ठीक है। सो ऐसे अगर कोई भी लिंक दोगे, उस लिंक पर अगर कोई ओके करेगा तो आपका वीडियो या आपका लिंक पे जो भी होगा वो उसको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे आप इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे। सो मेरा ऑलरेडी था, मतलब मैंने चेक किया तो मेरा ऑलरेडी हो गया था बहुत पहले, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, वो देना चाहता था कोई लिंक लेकिन वो दे नहीं पा रहा था, मतलब उसका जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं था वहाँ पर, मतलब वो जो लिंक का जो स्टिकर है वो उसको नहीं दिखा रहा था। सो ये प्रॉब्लम उसने मुझे बताया, फिर मैंने बोला कि तेरा जो इंस्टाग्राम है उसको पहले अनइंस्टॉल कर दे। सो उसने पहले अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टाग्राम को, फिर प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम को, फिर 2 या 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक उसका ये ऑप्शन आ गया, मतलब ये जो स्टिकर है, मतलब लिंक का जो स्टिकर है वो अवेलेबल हो गया उसका इंस्टाग्राम में, उसका स्टोरी पे। सो अगर आपका भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब अवेलेबल नहीं है आपका स्टोरी पे, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल
करने के बाद फिर से आप इंस्टॉल करोगे सो तब जाके आपका जो ये ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप फिर यूज कर सकते हो। मतलब 2-3 मिनट के बाद आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, पसंद आए, तो जरूर वीडियो का देना एक लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद साइन बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।